बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? वेरी गुड। आज हम लोग क्या सीखेंगे बोलो तो? आज हम लोग हिंदी का व्यंजन वर्ण लिखना सीखेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। और टॉपिक क्या है? व्यंजन वर्ण लिखना। कैसे होता है व्यंजन वर्ण, कैसे लिखते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। वर्ण लिखना, ठीक है? तो पहले हम लोग सीख चुके हैं ना, क ख ग घ ङ, ये सब हम लोग सीख चुके हैं ना। तो उसको एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद उसके आगे जो वर्ण है उसको हम लोग सीखेंगे। देखते हैं हम लोग को कहाँ तक होता है, ठीक है? तो आप सब अच्छा से ध्यान से देखना और सुनना, ठीक है? और घर में उसी तरह प्रैक्टिस भी करना, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले कौन सा वर्ण होता है व्यंजन वर्ण में से? सबसे पहले कौन सा वर्ण होता है? क। तो अभी आप लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले? क। आप लोग को याद है ना, हम लोग कुछ रेखाएं सीखे थे, याद है? जैसे स्वर वर्ण जब हम लोग लिखना सीखे थे उसमें पहले हम क्या सिखाए थे आप लोग को? कुछ रेखाएं सिखाए थे, याद है ना? तो वो सब रेखाएं इसमें भी यूज होगा। इसमें भी हम लोग उस रेखा से जितना व्यंजन वर्ण है उसको हम लोग उस रेखा से, रेखा की मदद से हम लोग लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? क। क तो हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, सीख चुके हैं, फिर भी और एक बार लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक आधा गोला बनाएंगे, ठीक है, बाय तरफ से, ठीक है? एक आधा गोला बनाएं, उसके साथ एक खड़ी रेखा जोड़ दिए, ठीक है? फिर उसके दाहिने तरफ से हम लोग छोटा सा और एक आधा गोला बना दिए। तो ये क्या हो गया? क। और उसके ऊपर ऐसे लाइन से हम लोग मिला देंगे, ठीक है? एक रेखा ऐसे देके मिला देंगे। तो ये क्या हो गया? कौन सा वर्ण हो गया? क। इस वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? क बोलते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक आधा गोला लेंगे, उसके साथ एक खड़ी रेखा जोड़ देंगे। इस खड़ी रेखा के दाहिने तरफ से हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा आधा गोला बना देंगे जो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? और ऊपर ऐसे एक छोटा सा खड़ी रेखा से इसको मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क। और हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग हिंदी का वर्ण लिखेंगे तो उसको हम लोग दो लाइन के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है? ना लाइन से ऊपर जाएगा ना लाइन से नीचे आएगा, ठीक है? ओके। तो क के बाद कौन सा वर्ण होता है? ख। ख को कैसे लिखेंगे? ख को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक बाय की तरफ ले तो एक तिरछी रेखा ले लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है? फिर उसके साथ जोड़ के नीचे की ओर दाहिने तरफ इसको ले जाएंगे और एक खड़ी रेखा से इसको इस लाइन तक ले आएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, देखो दूरिया लेंगे यहाँ से, यहाँ क्या करेंगे? एक खड़ी रेखा बना देंगे, ठीक है? एक खड़ी रेखा बना के उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा आधा गोला बना देंगे, ठीक है? देखो एक छोटा सा आधा गोला बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो और नहीं तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा इसको घुमा के हम लोग ऐसे भी इसके साथ मिला सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे उसको करना। और इसको एक अड़ी रेखा से मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ख। ख के बाद क्या होता है? ग। ग को कैसे लिखेंगे? देखो फिर इनको देखो, देखो बाएं तरफ ऊपर से क्या करेंगे? बाएं तरफ ले जाएंगे, तो आधा गोला कर देंगे कि इस आधा गोला के नीचे जोड़ के, इसके साथ जोड़ के नीचे छोटा सा
रसगुल्ला बना देंगे। देखो गुलाब बन गया, बन गया। थोड़ा सा दूरी लेके हम क्या करेंगे, एक खड़ी रेखा बना देंगे। ठीक है, एक खड़ी रेखा बना दिए, उसके साथ क्या करेंगे, एक तिरछी रेखा जोड़ देंगे ऊपर से। तो ये क्या बन गया, गौ। गौ के बाद क्या होता है, घौ। घौ लिखने के लिए हमें क्या करना है, घौ लिखने के लिए हमें ये देखो ऊपर से हम हमेशा पेंसिल को क्या करेंगे, ये जो लाइन बना हुआ है उस लाइन को जोड़ के लेंगे। देखो इस लाइन से हम ले रहे हैं, एक देखो बाएं के तरफ आते हुए फिर दाहिने तरफ के आधा गोला एक ले लिए, फिर इसके साथ जोड़ के और एक आधा गोला ले लिए। ये हम लोग जैसे हम लोग नंबर सीखे थे ना उसमें थ्री के जैसे है ना, थ्री लिख सीखे थे ना, तो ऑपोजिट साइड से अगर थ्री लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो उल्टा थ्री जैसे है कि नहीं। तो पहले एक आधा गोला बना लिए, उसके साथ और एक आधा गोला बना लिए, फिर उसके साथ क्या करेंगे, एक देखो तिरछी रेखा बना लिए, सॉरी एक खड़ी रेखा बना लिए। ठीक है, एक खड़ी रेखा, इसको क्या बोलते हैं, खड़ी रेखा, उसके साथ ये जोड़ दिए और ऊपर से एक आड़ी रेखा से इसको जोड़ दिए। तो ये क्या हो गया, घौ। समझ में आया, तो घौ लिखने के लिए पहले एक आधा गोला, फिर इसके साथ जोड़ के और एक आधा गोला, फिर इसके साथ जोड़ के एक खड़ी रेखा बना दिए और ऊपर से ये इसको और इसको ये दोनों को क्या करेंगे, एक आड़ी रेखा से जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, घौ। घौ के बाद क्या होता है, अंग। अंग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा खड़ी रेखा ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ के बाएं तरफ ले तो एक आधा गोला बना देंगे, बना दिए। फिर इसको जोड़ के दाहिने तरफ लेते हुए एक आधा गोला बना देंगे, हुआ। और यहाँ एक छोटा सा बिंदु दे देंगे, फिर ऊपर एक आड़ी रेखा से जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, अंग। अंग के बाद क्या होता है, छ। छ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक ये दो लाइन के बीच में हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा आड़ी रेखा लेंगे। ठीक है, इस आड़ी रेखा को जोड़ के देखो आड़ी रेखा के जो दाहिने तरफ है वहां जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, एक आधा गोला लेंगे। ये फिर इसके साथ क्या करेंगे, एक खड़ी रेखा ले लेंगे और उसको ऊपर ऐसे जोड़ देंगे एक आड़ी रेखा से। तो ये क्या बन गया, छ। छ के बाद क्या होता है, छ। छ लिखने के लिए जैसे हम लोग घ लिखे थे ना, घ के जैसे देखो दो बार इस तरह का हम क्या करेंगे, आधा गोला ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे ये करके इसको देखो यहाँ पे एक गोला बना देंगे, ऐसे बनाए फिर इसको इस गोला को नीचे देखा देखा देखो नीचे कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, और इसको ऊपर से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, देखो और उसको ऐसे एक आड़ी रेखा से मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, छ। कौन सा अक्षर है ये, छ। छ के बाद क्या है, ज। ज को कैसे लिखेंगे, ज को लिखेंगे देखो पहले खड़ी रेखा ले लेंगे। ठीक है, खड़ी रेखा ले लिए, उसके साथ क्या करेंगे, बीच में से देखो
ठीक इस खड़ी रेखा के बीच में से क्या करेंगे, एक छोटा सा आड़ी रेखा ले लेंगे। ठीक है, इस आड़ी रेखा को जोड़ के क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, इसे छू के क्या करेंगे, इसे आधा गोला ऊपर की तरफ कर देंगे। हुआ, और फिर ऊपर हम लोग ये आड़ी लाइन से जोड़ देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉ। ओके, जॉ के बाद क्या होता है, जॉ। जॉ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा खड़ी रेखा लेंगे, फिर उस खड़ी रेखा को छू के हम लोग क्या करेंगे, ऐसे घुमा के आधा गोला दाएं तरफ, फिर इसको छू के बाएं तरफ फिर आधा गोला बना देंगे, ऐसे कर देंगे। क्या करेंगे कि इसके बीच में से क्या लेंगे, बोलो, एक खड़ी रेखा ले लेंगे। इस खड़ी रेखा को एक खड़ी रेखा से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोलो, झ। झ के बाद क्या है, य। य लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन के बीच में से, देखिए दो लाइन है ना, इसके बीच में से हम लोग क्या करेंगे, एक बाएं तरफ घुमाते हुए आधा गोला लेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे। ये जो देखो यहाँ तक आ गया आधा गोला आया ना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, और इसके बीच में से एक आड़ी रेखा ले लेंगे, फिर इस आड़ी रेखा को एक खड़ी रेखा से जोड़ देंगे, इंदर एक खड़ी रेखा से ऊपर जोड़ देंगे इसको, तो ये क्या बन गया, क्या क्या के बाद क्या है, तो पढ़ो एक बार पढ़ के देखो, च छ झ ञ, ञ के बाद क्या होता है, तो होता है। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा खड़ी रेखा ले लेंगे, उसके बाद इसको बाएं की तरफ घुमाते हुए फिर दाएं तरफ ले आएंगे, आधा गोला करेंगे। ठीक है, समझ में आया, एक छोटा सा खड़ी रेखा उसको छू के बाएं तरफ लेते हुए एक आधा गोला बनाएंगे जो दाएं तरफ आएगा। ठीक है, हो गया, इसको हम लोग ऊपर इस तरह से क्या करेंगे, एक खड़ी रेखा से मिला देंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, टॉ। टॉ के बाद क्या होता है, ठ। ठ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टॉ को लिख लेंगे। ठीक है, देखो स्टॉ को लिख दिए, फिर इसको यहाँ से क्या करेंगे, आधा गोला करके इसके साथ जोड़ देंगे, ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक जोड़ देंगे, यहाँ एक खड़ी रेखा से जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ठ। ओके, ट ठ। ठ के बाद क्या है, ड। एक छोटा सा खड़ी रेखा लेंगे, उसके साथ उसको छू के देखो क्या करते हैं, फिर एक आधा गोला जो बाएं तरफ से जाते हुए फिर दाएं तरफ आ गया, एक आधा गोला ले लिए, फिर इस आधा गोला को छू के हम लोग क्या करेंगे, और एक आधा गोला लेंगे जो बाएं तरफ जाएगा। ठीक है, हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉ। ऐसे इसको मिला दिए तिरछी आड़ी रेखा से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डॉ। डॉ के बाद क्या है, ढ। ढ को कैसे लिखेंगे, देखो छोटा सा एक खड़ी लाइन लिखी, खड़ी रेखा बोल सकते हो, खड़ी लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग टॉ लिखे थे ना, वैसे हम लोग टॉ लिख दिए, टॉ के जैसे जब आधा गोला
करके ये क्या बन गया, टो बन गया। और इस टो को नीचे क्या करेंगे, एक टो के साथ इसको ऐसे एक गोला बना देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक छोटा सा खड़ी रेखा, उसके साथ एक आधा गोला, उस आधा गोला को गोला के साथ नीचे की ओर छोटा सा एक गोला बना दिया। तो ये क्या बन गया, ढौ। अब ऊपर ऐसे और रेखा से जोड़ना नहीं भूलना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ढौ। ढौ के बाद क्या है, मूर्धन्य। मूर्धन्य कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे नीचे की ओर आते हुए फिर ऊपर की ओर जाएगा एक आधा गोला, इस तरह का एक आधा गोला बना दिए। ठीक है, देखो इसको भी हम लोग आधा गोला ही बोलेंगे। बना दिए, थोड़ा सा दूरिया लेंगे, लेके इसके साथ एक खड़ी रेखा बना दिए। और इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक खड़ी रेखा से जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य के बाद क्या है, तो देखो ऐसे एक लाइन बना दिए। ये कौन सा लाइन है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खड़ी रेखा। इस खड़ी रेखा के बीच में, ठीक देखो बीच में से तुम लोग ऐसे खड़ी रेखा ले सकते हो। ठीक है, लेके इसको फिर नीचे की ओर ले जाओ, घुमा के ऐसे ऐसे नीचे की ओर ले जाओ। तो इसको क्या बोलेंगे, इस वर्ण का नाम क्या है, तो इसको अड़ी रेखा से मिला देंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक खड़ी रेखा लेंगे, उस खड़ी रेखा के बीच में से एक अड़ी रेखा ले लेंगे। ये उस अड़ी रेखा को हम नीचे की ओर ले जाएंगे, हल्का सा घुमाते हुए, थोड़ा सा घुमाते हुए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो के बाद क्या है, थो लिखने के लिए हमको क्या करना है, छोटा सा एक गोला बनाना है। देखो बना है, ठीक लाइन के नीचे थोड़ा सा नीचे, देखो छोटा सा गोला बना लिए। इस गोला को छूते हुए हम क्या करेंगे, ऐसे आधा गोला एक बनाएंगे। देखो आधा गोला बनाए, आप इस आधा गोला को क्या करेंगे, ऐसे घुमा के, देखो ऐसे घुमा के तिरछी रेखा जैसे, देखा बना दिए। और इसको क्या करेंगे, एक खड़ी रेखा से इसको जोड़ेंगे। ये देखो एक खड़ी रेखा से जोड़ दिए, जोड़ के ये ऊपर क्या किए, ऊपर में ये अड़ी रेखा से जोड़ दिए। तो क्या बन गया, थो के बाद क्या है, दो लिखने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा खड़ी रेखा लेना है, लेके इसको इसी खड़ी रेखा को छूंगे, हम क्या करेंगे, बाएं तरफ लेते हुए एक आधा गोला कर देंगे। कर दिए, उसके बाद इस आधा गोला जो बनाए इसके नीचे की ओर से हम क्या करेंगे, ऊपर करके छोटा सा गोला बना देंगे। बना दिए, अब इस गोला को हम क्या करेंगे, एक छोटा सा तिरछी रेखा से नीचे खींच देंगे, नीचे की ओर। ठीक है, हुआ। और उसको ऐसे ऊपर क्या करेंगे, अगली रेखा से मिला देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, दो। समझ में आया, दो कैसे लिखेंगे, पहले छोटा सा एक क्या करेंगे, खड़ी रेखा लेंगे, उस खड़ी रेखा को टच करके हम क्या करेंगे, बाएं की तरफ घुमाते हुए एक आधा गोला ले लेंगे, उस आधा गोला को नीचे पूरा छोटा सा गोला उसके साथ जोड़ के करेंगे। और छोटा सा जो गोला बनाए उसको एक तिरछी, छोटा सा तिरछी रेखा से नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दो। तुम इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, जैसे टो लिखे है ना, टो लिखे, फिर हम लोग
ढौ लिख के ऐसे, देखो ढौ लिखे है ना, ढौ लिख के ऐसे तुम नीचे कर देना, तो ये क्या हो जाएगा दो। दो के बाद क्या है देखो, तो थ दो, दो के बाद क्या होता है धौ। धौ लिखने के लिए देखो फिर हम क्या करेंगे, एक आधा गोला लिए, फिर इसके साथ और एक आधा गोला लिए, फिर इसको क्या किए एक खड़ी रेखा से जोड़ दिए, फिर यहाँ क्या किए थोड़ा सा छोटा सा एकदम छोटा सा खड़ी रेखा से जोड़ दिए, और यहाँ ऊपर क्या करेंगे, ऊपर में ऐसे गोला बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा धौ। जैसे हम लोग घ बनाए ना, घ में क्या करते हैं इसको पूरा जोड़ देते हैं, है ना, एक अड़ी रेखा से पूरा जोड़ देते हैं, लेकिन ध को पूरा नहीं जोड़ेंगे, यहाँ क्या होता है खाली रहता है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जोड़ेंगे, और जैसे तुम घ की तरह लिख लो, घ लिख के इसको ऊपर क्या करोगे यहाँ यहाँ छोटा सा गोला बना दोगे, तो ये क्या बन जाएगा ध। ध के बाद क्या है दंतना। दंतना को कैसे लिखेंगे, एक खड़ी रेखा ले लिए बड़ा सा, ठीक उसके बीच में से एक अड़ी रेखा ले लिए, उस अड़ी रेखा को नीचे की ओर लेकर छोटा सा एक इसके साथ गोला बना देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बोलो दंत न, और इसको ऊपर क्या करेंगे एक अड़ी रेखा से मिला देंगे, तो ये क्या हो गया दंत न। जैसे हम लोग तो लिखते हैं ना, देखो तो लिखे ना ऐसे करके लिए, फिर इसको ऐसे इतना दूर तक लाके यहाँ क्या करेंगे एक गोला बना देंगे, देखो एक खड़ी रेखा ले लिए, उसके बीच में से क्या लिए अड़ी रेखा ले लिए, उस अड़ी रेखा के साथ एक छोटा सा गोला बना दिए, और ऊपर एक अड़ी रेखा से इसको जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया दंत न। आज हम लोग यहाँ तक सीखेंगे, ठीक है, दंत न था, तो एक बार पढ़ लो क ख ग घ अंघ च छ ज झ इय ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध दंत न, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दंत न के बाद क्या होता है प होता है, प से सीखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।